सबको जय मसीह की। आज के अध्ययन में आपका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, आपके शुक्रगुजार है इस समय के लिए, खासकर आप हमें एकत्रित किया है बाइबल अध्ययन के लिए, प्रार्थना के लिए। हम चाहते हैं प्रभु जी, आप हमें एकाग्र मन दीजिए और प्रभु जी तुझ पर मनन करने के लिए हमें सहायता कीजिए। प्रभु जी, जो हमारे प्रार्थना की विनती है प्रभु जी, जो दुख चिंता है प्रभु जी, तेरे चरणों में लाते हैं प्रभु जी, अपने समय अनुसार, अपने मर्जी अनुसार तो हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर दे। प्रभु जी, जो आज हम निर्गमन के पुस्तक पर अध्ययन करने वाले हैं प्रभु जी, उस अध्ययन को समझने के लिए मदद सहायता करना प्रभु जी, और इस अध्ययन के द्वारा हमें सीख लेने के लिए मदद करना प्रभु जी, और प्रभु जी हम सारों को आशीषित करना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए। आज हम निर्गमन इस विषय पर अध्ययन करने वाले हैं, और निर्गमन के पुस्तक पर अध्ययन करते वक्त हमने निर्गमन के पुस्तक, लेवियों की पुस्तक, गिनती की पुस्तक और व्यवस्था सार की पुस्तक पर भी अध्ययन करना है। ये अध्ययन कुछ भागों में चलेगा, और मैं चाहती हूँ जब जब ये अध्ययन हो, आप निर्गमन, लेवी, गिनती और व्यवस्था सार इस पुस्तकों को आप पढ़िए, और आप इस पुस्तक पढ़ने के द्वारा अपने आप के लिए क्या सीख मिलती है, अपने जीवन में हमने क्या बदलाव लाने चाहते हैं, ये सारी बातें सीखकर परमेश्वर के नाम को अपने जिंदगी से महिमा कैसे देनी है ये सीखेंगे। निर्गमन इस पुस्तक पर अध्ययन करते वक्त हम जब चार पुस्तकों को भी साथ साथ अध्ययन करेंगे, तब हम देखेंगे इसमें चार व्यक्ति जो है या चार किरदार है उनके बारे में ज्यादा कहा गया है। वो चार व्यक्ति है मूसा, आरन, केलब और जोशुआ। ये चार व्यक्ति, इन किताबों में इनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। इन चार किताबों को पर जब हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे, तब हम देखेंगे इन किताबों में इजरायली लोगों की बंधुआई और उनका छुटकारे के बारे में, जब वो मिस्र देश में थे तब इजरायली लोगों की बंधुआई के बारे में लिखा है, और इजरायली लोगों के छुटकारे के बारे में लिखा हुआ है। गिनती की 13 और 14 इस अध्याय में हम देखेंगे कि इजरायली लोग कैसे विफल हुए वाचा वाली जगह जाने से पहले, या परमेश्वर ने जो उनसे वादा किया था जगह का, वहां जाने से वो कैसे चूक गए, ये भी हम देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि परमेश्वरी रोटी मन्ना, इसका आना कब से शुरू हुआ। हम ये भी देखेंगे शब्बात दिन का महत्व कैसे बढ़ा। हम ये भी देखेंगे कि 10 आज्ञाएं या 10 हुक्म किस तरह लिखे गए और इनको किस तरह माना गया। हम ये भी देखेंगे कि मिलाप के तंबू किस तरह बनाया गया। हम ये भी देखेंगे कि जंगलों में इजरायली लोग कैसी भटकते रहे। हम जब इन किताबों में अध्ययन करेंगे, तब हम ये भी देखेंगे कि मूसा का मृत्यु किस तरह हुआ और योशू इसराइल का नया लीडर या नया मुखिया कैसे चुना गया। ये किताबों पर जब हम अध्ययन कर रहे हैं, तब हम लाल समुंदर का दो हिस्सों में किस तरह बट गया ये चमत्कार भी देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि एक नहर या एक जो झरना था वो किस तरह कड़वा था, और परमेश्वर के चमत्कार से ये झरना किस तरह मीठा हो गया, पानी पीने लायक हो गया, ये भी देखेंगे। हम वो भी कहानी देखेंगे जहां पर सुनहरे बछड़े का निर्माण कैसे हुआ, इसराइली लोगों ने ये सुनहरे बछड़े का निर्माण क्यों किया, ये भी देखेंगे। हम बोलने वाले गधी के बारे में भी पढ़ेंगे और तांबे के सर्प का भी कहानी सुनेंगे। परमेश्वर ने जब मूसा के साथ जलती हुई झाड़ियों से बातचीत की और क्यों की, ये भी हम समझेंगे। और जंगल में एक चमकने वाला या रोशनी देने वाला आग का बादल भी देखेंगे, और वही आग का बादल दिन में छाया बनकर भी किस तरह इजरायली लोगों की मदद करता था, सुरक्षा करता था, ये भी हम देखेंगे। हम देखेंगे कि कोरा किस तरह धरती में क्यों समा गया और उसका वजह क्या थी,
कि वह धरती खुली और कोरह और उसके वंशज सारे धरती में समा गए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इजरायली लोग मिस्र देश में गुलाम बनकर रह रहे थे। जब यूसुफ मर गया और उसके बाद मिस्र पर एक नया राजा आया, तब हम देखते हैं कि उसको यूसुफ के बारे में इस नए राजा को पता नहीं था, और ये राजा इजरायली लोगों का बहुत बुरी तरह शोषण कर रहा था। और उसने एक दिन फरमान किया कि सारे इसराइली नर बच्चे मार दिए जाए। बट परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की योजना कुछ और थी। परमेश्वर का जन वो परमेश्वर ने जिसने इसराइली लोगों का छुटकारा करना था, वो इस दुनिया में आता है और पूरी सुरक्षितता से आता है। ये जो परमेश्वर का जन है उसका नाम है मूसा, और मूसा जो था वो परमेश्वर से डरने वाले माता पिता से जन्मा, और वो 3 महीनों के लिए अपने घर में छुपा कर रखा गया जब ये फरमान निकला था कि इजरायली बच्चों को, नर बच्चों को मार दिया जाएगा। 3 महीने बच्चा सुरक्षित रखने के बाद घर में, एक दिन उसको एक टोकरी में नील नदी के ऊपर छोड़ दिया जाता है। नील नदी पर जब ये टोकरी तैर रही थी, तब फिरौन की बेटी वो नील नदी के पास आती है, और तब ये सारी बातें मरियम देखती है कि फारून की दा बेटी ने ये टोकरी नील नदी से निकाली है। मरियम मूसा की बहन फारून की बेटी तक पहुंचती है, और वो अपनी बातचीत के द्वारा मूसा की खुद की मां को मूसा की देखभाल के लिए फरोन की बेटी से इजाजत लेकर तैयारी कर देती है। मूसा अपने माँ के द्वारा ही फिरौन के दरबार में पाला गया, और वो एक दिन ऐसा होता है कि मूसा जब 40 साल का था, वो मिस्र देश से भाग जाता है। वो इसलिए भागता है कि जब एक इजरायली मजदूर अपने दूसरे मिस्री मजदूर के साथ लड़ रहा था, तब वो मजदूर मार दिया जाता है। इसलिए वो डर कर मिस्र छोड़कर मूसा भाग जाता है। जब मूसा मिस्र देश से भाग जाता है, तब वो मिद्यान देश पहुंचता है, और वहां पर जिपोरा नामक औरत से ब्याह कर लेता है जो जेथ्रो की बेटी थी, और वो 40 साल एक चरवाह की तरह रहता है। मूसा को परमेश्वर की ओर से बुलाहट होती है एक जलती हुई झाड़ी से, और मूसा को परमेश्वर कहता है कि तू इसराइल को बंधुआई से, उनके अत्याचारों से, उनसे शोषण होने से, मिस्री लोगों से तू छुटकारा दिलाएगा। जब मूसा को ये बात परमेश्वर कहता है, तब मूसा बोलता है कि मेरे पास बातचीत करने का तरीका नहीं है, मेरे पास वो क्षमता नहीं है, मेरे पास वो अधिकार नहीं है, मेरे पास अच्छी तरह समझाने का ढंग नहीं है, और मेरे में ज्यादा इच्छा भी नहीं है कि मैं ये योजना को पूरी करूं। फिर भी परमेश्वर अनुग्रह करता है, और ये जो बहाने मूसा बोलता है, तब परमेश्वर उसको उसकी क्षमता के बारे में बताने के लिए वो दिखाता है कि उसकी चरवाह की लाठी थोड़े देर के लिए सांप बन जाती है, और फिर से वो चरवाहे की लाठी बन जाती है। उसका सज्जा हाथ कुछ देर के लिए कोड़ी बन जाता है, और फिर से वो सज्जा हाथ पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। जब मूसा इन सारे बातों के बाद भी इनकार करता रहा कि मैंने जाना नहीं है इसराइली लोगों को छुटकारा देने के लिए, तब मूसा उसको सहायता के लिए अपने बड़े भाई आरोन को भी ले जाने की इजाजत देता है। जब हम देखते हैं कि इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा जाकर अपनी याचिका फरौन को देता है, तब वो देखता है कि फारो जब ये बातें सुनता है, तब याचिका पर विचार करने के बजाय वह इसराइलियों पर ज्यादा शोषण करता है
और उनको ज्यादा काम देने लग जाता है। वो कहता है कि अब से आगे तुम्हें जो सूखी घास है, जो ईंटें बनाने के लिए है, वो आपको अपने आप ही जंगलों से काट कर लानी पड़ेगी। और ये जब ज्यादा अत्याचार होने लगते हैं तो इसराइल के मुखियों को मूसा पर गुस्सा भी आ जाता है और वो परमेश्वर से शिकायत भी करते हैं, बट परमेश्वर उन्हें फिर दिलासा देता है। मूसा जब 40 साल का था तब वो फिरौन के दरबार में था, फिर वो 40 साल चरवाह की तरह रहता है, फिर लगभग जब वो 80 साल का होता है और आरोन भी उसके साथ रहता है, तब वो फरौन के दरबार में जाकर सबसे पहला चमत्कार करता है, वो अपने लाठी को एक सांप के रूप में बदल देता है। यही चमत्कार फरौन के जो जादूगर थे वो भी करते हैं, पर मूसा का सर्प जो होता है वो इन जादूगरों के सांपों को खा जाते हैं। फिर मूसा 10 मरियों पूरे मिस्र देश में लाता है। सबसे पहला जो मरी है वो है पानी को लहू में बदल दिया जाता है। दूसरी जो मरी है बहुत सारे मेंढक पैदा हो जाते हैं। तीसरी जो मरी है वो है कि बहुत सारे जुए पैदा हो जाती है। चौथी जो मरी है बहुत सारे मक्खियां पैदा हो जाती है। पांचवी जो मरी है पशुओं में बीमारी आ जाती है। छठी मरी बहुत सारे फोड़े निकल आते हैं लोगों के ऊपर। सातवीं मरी ओले गिरते हैं और ये ओले आग से मिश्रित होते हैं। आठवीं मरी बहुत सारी टिड्डिया पैदा हो जाती है। नौवीं मरी 3 दिन की अंधकार हो जाता है और दसवीं मरी सबसे बड़े बेटे का मृत्यु हो जाती है। ये सारी मरिया जो थी जब होने के बाद फारो 4 समझौते करता है जब ये मरिया चलते रहती है, बट मूसा इन सारों समझौतों से इनकार कर देता है। पहला समझौता था जाना मत, जो भी कुछ आपने आराधना करनी है वो मिस्र देश में कीजिए। दूसरा समझौता आता है जाओ बट ज्यादा दूर मत जाओ। तीसरा समझौता है जाओ पर तुम अपने यहाँ पर अपने हिजड़ और अपने जानवर यही छोड़कर जाना। चौथा जो समझौता है वो है कि जाओ बट तुम्हारे बच्चों को यही छोड़कर जाओ। जब ये सारे समझौते चल रहे थे तब कई बार परमेश्वर की भी योजना थी कि फारोन का हृदय सख्त हो जाए, वो कठोर हो जाए, बट कई कई बार ऐसा हुआ फारोन अपना भी हृदय सख्त कर देता था। ये ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर के इन सारी चीजों में कोई योजना थी। जब परमेश्वर की मुक्ति का समय आया इसराइल पर और परमेश्वर का जब इसराइली लोगों को छुड़वाने का टाइम आया, उसके बारे में निर्गमन 11 और 12 में लिखा है कि इसराइली लोगों ने बिना खमीर की रोटी खाई और उनको ये बिना खमीर की रोटी और साग पात उनको हर साल यादगारी के रूप में कि उनका कितना बड़ा छुटकारा हुआ ये समझाया गया कि हर साल ये दिन को मनाना है। हम देखते हैं इन मरियों की वजह भी क्या थी। इन मरियों की वजह ये थी कि इसराइली लोग परमेश्वर की महानता और परमेश्वर की ताकत को पहचान सके। एक दिन ऐसा आया कि इसराइली लोग सारे मिलकर मिस्र की छोर को छोड़कर चले जाते हैं। परमेश्वर ने ये किया कि सबसे पहला बेटा जो इसराइली का था वो उनको सारों को आशीषित किया और उनको अभिषेक किया कि परमेश्वर की सेवा वो बहुत अच्छी तरह कर रहे, और इसी तरह पूरा इसराइली लोग परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहे। हम अब ये देखेंगे कि इसराइली लोग सिनाई पर्वत तक जब जाना था वो किस तरह गए। हम देखते हैं कि मिस्र देश के रामसीस से सिनाई पर्वत तक आने का 150 के लगभग मील दूरी थी, बट इस छोटा सा अंतर को भी पार करने के लिए
इनको 40 साल लगे। इस 40 साल के दौरान क्या क्या बातें हुई ये हम देखेंगे। जो परमेश्वर की महिमा थी वो एक बादल के स्वरूप में प्रकट हुई। दिन में ये बादल छाया बनकर चलता था और रात के अंधेरे में ये ज्वाला की तरह सारे इसराइलियों को रोशनी देता था। जब फारो ने देखा कि इसराइली लोग मिस्र छोड़कर चले गए तो वो अपने जो ये निर्णय था उस चीज से पछतावा होता है कि उसने ये निर्णय क्यों लिया, इसराइली लोगों को जाने क्यों दिया, और वो प्रयत्न करता है कि इसराइली लोगों को फिर से काबू में कर ले जाए। जब ये काबू में करने की बात होती है तब परमेश्वर ने लाल समुंदर का दो भागों में करकर इसराइली लोगों को मिस्र देश पार करने के लिए मदद सहायता की। ये कैसे हुआ ये अब हम देखेंगे। मूसा ने अपना हाथ बढ़ाया और परमेश्वर ने एक बहुत तेज हवा चलाई और लाल समुंदर दो हिस्सों में बंटकर नीचे से रास्ते की तरह लाल समुंदर में राह पैदा हुई और इसराइली लोग इस राह से लाल समुंदर के बीचों बीच पार होने लगे। इसी रास्ते पर इस मिस्री सेना भी आई कि उनका पीछा कर कर वापस इसराइली लोगों को वो काबू में ले ले। पर जब इसराइली लोग सारे पार हो गए थे तब लाल समुंदर फिर जुड़ गया और इसराइली सेना लाल समुंदर में डूबकर खत्म हो गई। जब ये चमत्कार हुआ तब परमेश्वर की महिमा इसराइली लोगों ने की और वो इस बात से बहुत खुश हुए और उन्होंने गवाही दी कि हर एक घोड़ा और उसका सवार ना पानी में नष्ट हो गया जो फरौन ने हमारे वापस बंधुआई में ले जाने के लिए तैयार किया था। और एक वाक्य होता है, मारा इस जगह पर जब वो पहुंचते हैं तो वहां का पानी बहुत कड़वा था पीने के लिए और परमेश्वर ने इस मारा जगह पर जब वो पहुंचे तब एक पेड़ की टहनी ली और इस पानी में मूसा ने वो टहनी को डाल दिया और ये पानी मीठा हो गया और यहाँ पर भी परमेश्वर ने उनको मदद करने का जो वाक्या दिखाया उससे उनका विश्वास मजबूत हो ये ऐसे किया। परमेश्वर ने एक और उनको वादा किया जिससे परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है ये वचन दिया। निर्गमन 15:16 में उसने समझाया कि अगर आप परमेश्वर की आवाज अच्छी तरह सुनोगे और उसके दृष्टि में यानी परमेश्वर के दृष्टि में सही करोगे, परमेश्वर की आज्ञाओं की तरफ अपना कान लगाओगे और परमेश्वर की सारी बातों में को मानोगे, तब परमेश्वर एक भी जो बीमारी है जो मिस्रियों पर आती है वो परमेश्वर कभी किसी परमेश्वर के जन पर आने नहीं देगा क्योंकि परमेश्वर वो है जो चंगाई देगा। जब परमेश्वर के लोग मारा से एलीम तक जाते हैं, जब वो एलीम इस जगह पर पहुंचते हैं तब वो वहां अपना डेरा बनाते हैं जहां पर 12 कुएं थे और वो कुएं पानी से भरे हुए थे और वहां पर छाया के लिए खजूर के झाड़ भी थे। यहाँ पर और एक चमत्कार हुआ कि स्वर्गीय रोटी मन्ना का भी देना हुआ। जब लोग इसराइली लोग एलीम से लेकर जिन के जंगलों में पहुंचे तब लोगों ने इसराइली लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या आपने हमें मिस्र देश से इस जंगल में मारने के लिए लाए हो मूसा? इजिप्ट में तो हम कितना अच्छा थे, हम मिस्र देश में कितने अच्छे थे, हमें खाना भरपेट मिलता था, हम अच्छी तरह से खाते थे और आपने इस जंगल में हमें भूख से मारने के लिए लाया हुआ है। जब ये बात हुई तब परमेश्वर ने परमेश्वरी रोटी का इंतजाम किया। उस दिन से आगे 40 साल तक परमेश्वर ने 6 दिन हफ्ते में मन्ना
एक सफेद चपटी सी, जैसे धनिये के बीज होते हैं और शहद होता है उसके स्वाद की, परमेश्वरी रोटी, परमेश्वरी भोजन इसराइली लोगों को देने का इंतजाम किया है कि जब तक वो वादे वाली, परमेश्वर के वादे वाली जगह तक पहुंचते नहीं है, तब तक ये स्वर्गीय रोटी का इंतजाम किया। ये रोटी हर सुबह ले लेनी चाहिए थी इसराइली लोगों ने, और 6वें दिन डबल पोर्शन यानी डबल हिस्सा एक व्यक्ति को जितना लगता है वो लेना था, और 7वें दिन ये रोटी मिलती नहीं थी, तो 7वें दिन का इंतजाम 6वें दिन करना पड़ता था। ये स्वर्गीय रोटी के बाद हम ये भी देखते हैं कि शब्बात इस दिन को पवित्र मानने के लिए और आराम का दिन नियुक्त किया गया। परमेश्वर ने कहा था कि सबसे पहले परमेश्वर ने, जब सारी चीजों की उत्पत्ति हुई, तब परमेश्वर ने 7वें दिन आराम किया, और यही आराम की स्थापना परमेश्वर ने इस वक्त इसराइली लोगों के लिए की। इस दिन ये होता था कि सारे लोग कोई काम नहीं करते थे, सिर्फ आराम करते थे। यहाँ पर परमेश्वर ने निर्गमन 16:29-30 में कहा है कि कोई व्यक्ति अपने जगह से बाहर जाए 7वें दिन, और हर एक 7वें दिन अपने जगह पर रहे ताकि वो आराम कर सके। आज हम देखते हैं कि ये सारी चीजें हम इतिहास के रूप में निर्गमन के पुस्तक में क्या क्या लिखा है ये हम देख रहे हैं। इसके साथ और एक चीज लिखी हुई है कि परमेश्वर ने एक बार एक पत्थर के ऊपर मूसा को अपनी लाठी चलाने के लिए कहा था, क्योंकि जब इसराइली लोग हमेशा बहस करते रहते थे, शिकायत करते रहते थे कि उनको प्यास लगी है, बहुत पानी का इंतजाम नहीं है, तब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि एक पत्थर पर लाठी चलाए ताकि उस पत्थर में से चमत्कारिक रूप से परमेश्वर के लोगों के लिए पानी का इंतजाम हो जाए। इस किताब में और ये भी देखते हैं कि पहली बार योशु नाम का उच्चारण होता है, जो आगे चलकर इसराइली सेना का सेनापति होना था। यहाँ पर एक्सोडस या निर्गमन इस पुस्तक में हम देखते हैं मूसा इसराइली लोगों के लिए प्रार्थनाएं निरंतर करता था। हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि पहली बार परमेश्वर का नाम यहोवा निसी या परमेश्वर मेरा ध्वज है ये बातें समझाई गई है। हम जब ये देखते हैं तब हम देखते हैं कि मूसा का, जब ये जंगलों में से चल रहे थे, तब अमेलिकी लोग जो ईसाओं के वंशज थे वो लोग इन लोगों को सता रहे थे, इसराइली लोगों को, और जब मूसा के सेना ने इस लोगों का सामना किया तब मूसा ने अपने हाथ परमेश्वर की तरफ उठाकर परमेश्वर के लोगों को अमलेकी लोगों से विजय दिलवाई। जब मूसा थक जाता था अपने हाथ परमेश्वर तक उठाते वक्त, तब परमेश्वर के लोग उसके हाथों को सहारा देते थे और उसके हाथ परमेश्वर की ओर उठाए लगते थे ताकि इसराइली लोग जीत सके। ये सारे बातें हम जब देखते हैं तो मूसा की अपने परिवार से मुलाकात भी होती है, और मूसा अपने परिवार से जब मुलाकात करता है, अपने बीवी जिपोरा से मुलाकात करता है, गिरशोम और एलियजर जो उनके बेटे उनसे मुलाकात करता है, और जेथ्रो अपने ससुर से भी मुलाकात करता है। जेथ्रो वही है जो मूसा को सलाह देता है कि सारे काम इसराइली लोगों को तो आप करता है, आप मूसा ये सारे काम ना करके, इस कामों का बंटवारा करके लोगों को भी कुछ कामों की जिम्मेदारी दे। तब मूसा जो लोग सक्षम थे, जो लोग काबिल थे, उनको भी कुछ काम इसराइली लोगों का सौंप देता है। आगे की जो निर्गमन, लेवी, गिनती और व्यवस्था सार की कहानियां हम आगे के अध्ययनों में सुनते आएंगे, और आज जो हमने देखा
कि परमेश्वर की जब कोई योजना पूरी होनी होती है, तब परमेश्वर स्वयं उस योजना को किस तरह पूरा करना है वो एक बहुत चमत्कारिक रूप होता है। हम देखते हैं कि मूसा का पैदा होना, उसका छुपाकर उसका सुरक्षित रखना, उसका फरौन के दरबार में एक राजकुमार की तरह रहना, उसका वापस मिस्र इजरायली लोगों तक पहुंचना, इजरायली लोगों का मुखिया कैसे बनना, उनका चलाने वाला कैसे बनना, परमेश्वर ने जो मरिया की इजरायली लोगों को बचाकर मिस्र लोगों पर पाई, और फरौन से इजरायली लोगों का किस तरह से छुटकारा हुआ, ये हम देखते हैं लड़ीवार चलता रहा है। और हम देखते हैं हर एक बार जो परमेश्वर के लोग हैं वो हमेशा समझौता करने से, परमेश्वर पर विश्वास करने से, परमेश्वर पर शक करने से डरते नहीं थे, कि जब जब वो चमत्कार देखते थे तब तक वो पक्का विश्वास भी नहीं करते थे, हर टाइम कोई ना कोई कंप्लेन जरूर करते थे, कोई ना कोई शिकायत जरूर करते थे, कोई ना कोई उनको कुछ ना कुछ उनको तर्क रहता है रहता था, चाहे परमेश्वर उनके साथ कितना भी अच्छा होता था, कितना भी उनके साथ सहन करने के लिए तैयार होता था, बट वो परमेश्वर के साथ तर्क या हमेशा कोई ना कोई शिकायत करते रहते थे। बट परमेश्वर देखिए कितना अनुग्रहकारी है, कितना प्यार करने वाला है, कि वो बड़े प्यार से, बड़े संयम से पूरे इसराइली लोगों को, परमेश्वर के लोगों को चलाता था। हम आज देखते हैं मूसा के किरदार से और इसराइली लोगों के स्वभाव से कि हमने हमारे स्वभाव में परमेश्वर की योजना किस तरह पूरी होती है उसको बिना शिकायत के साथ, बिना गुस्सा किए, बिना शक किए, किस तरह परमेश्वर की योजना के अनुसार अपनी जिंदगी चलाना है, ये हमने सीखना है। आगे के अध्ययन में हम निर्गमन, लेवी, गिनती और व्यवस्था सार की अध्ययन भी सुनेंगे। आज के अध्ययन से हम सबको आशीष मिले। आमीन।